Oh, सच? Oh, thank you, Mrs. कमाल. तुम भी कमाल की लड़की हो. तो कमाल की बीवी है, तुम्हें से कमाल की लड़की कह रही हूँ. अच्छा, एक सेकेंड, वो कह रही है कि उसके यहाँ मुशायरा हो रहा है. वो क्या होता है? शायरों का काउंटडाउन शो. वो कह रही है कि हमें भी उधर जाना है. लेकिन हम कैसे आ सकते हैं, हम पर तो पाबंदियां लगी हैं. ये कहना अच्छा लगता है भला? उनको कहें कि हमारे पर सैंक्शंस लगी हुई हैं बॉबी के आइटम की वजह से. ओह मां, तो ये बताना कौन सा अच्छा लगता है. मैं कह देती हूँ कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे यहाँ भी मुशायरा हो रहा है. मिसेस कमाल, आई एम सॉरी, हम नहीं आ सकते. दरअसल हमारे यहाँ भी मुशायरा हो रहा है. कौन कौन आ रहा है? एक सेकेंड, कौन कौन आ रहा है? जल्दी से नाम बताओ, जल्दी जल्दी. वो उनके नाम बता दो ना जो गजलें गाते हैं. मैं बताती हूँ. मेहदी हसन, गुलाम अली, मोहम्मद अली शिकी और आफताब. मेहदी हसन, गुलाम अली, मोहम्मद अली शिकी. हाँ नहीं, मुझे पता है. पूरी बात तो सुन ले मिसेस कमाल, मुझे मालूम है कि ये लोग तो गजलें गाते हैं. जिनका कलाम ये लोग गाते हैं ना, वो लोग आ रहे हैं. एक सेकेंड, कौन है? नाम बताओ ना शायरों का. हफीज जलंधरी, फैज अहमद फैज, फैज अहमद फैज, जिंदा जावे, जिंदा जावे. ओह एक सेकंड, ये लोग तो मर चुके हैं. ये शायरों का क्या है, वो तो किसी पर भी किसी वक्त भी मर सकते हैं. मिसेस कमाल, मुझे मालूम है. मैं तो ये कह रही थी कि इनके जो शागिर्द है ना, वो सब आ रहे हैं. वो कौन है? एक सेकेंड, जिंदा जावेद कौन है, वो पूछ रही है. मुझे क्या पता, मेरी उर्दू की किताब में लिखा था कि हफीज जालंधरी, फैज अहमद फैज, जिंदा जावेद शायर हैं. जिंदा जावेद मेरे शौहर के दोस्त हैं. हाँ मेरे शौहर कमाल हैं. नहीं मिसेस कमाल, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है. नहीं नहीं, कमाल आप ही के शौहर हैं. मेरे शौहर तो आजम है. जो मेरे शौहर है ना आजम, वो कमाल के इंसान है. ये मैं कह रही थी. अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकेंड, वो कह रही है कि उसे मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर और फैज अहमद फैज बहुत पसंद है. उसके शौहर को पता चल गया ना तो फिर. हेलो. हाँ मिसेस कमाल. हाँ हाँ, और भी बहुत से मशहूर मशहूर लोग आ रहे हैं. हाँ नियाजी, वो जिसने गाया था कमीज तेरी का, मुझे पता है, मुझे पता है कि वो तो गाते हैं. मुनीर नियाजी, आप. हाँ हाँ, जो शायर हैं मुझे पता है. आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं. तुम भी आ रही हो? तुम तो नहीं आ रही. तुम क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि मेरे शौहर है ना आजम, है ना. दरअसल सारे शौहर एक ही जैसे होते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है, बस उनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं. हाँ हाँ, उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ. तो मिसेस कमाल, जो आजम है ना, वो जरा उल्टे दिमाग के हैं. हाँ तो वो कह रहे थे कि तुम अपनी फ्रेंड्स के लिए अलग से मुशायरा करना. हाँ मिर्जा गालिब आ गए, मेरा मतलब है कि तुम कब आए. मुझे चार दिन हो गया आए हुए, आपको यकीन क्यों नहीं आता? एक मिनट. नहीं, ऐसा है कि मैं फिर तुम्हें दोबारा कॉल बैक करती हूँ. बाय बाय. जमात तुमने देखा सरब तकसीम, बॉबी कितने जोर और शोर से पढ़ रहा है. कायदे पर अमल करना आसान है ना, जोर और शोर का पता चल रहा है. मेरे बच्चे की आवाज. हाँ मुझे भी लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है. ये इसके कमरे की कुंडी किसने लगाई बाहर से? वो पापा, दरअसल टाइम टेबल के हिसाब से बॉबी सिर्फ एक और सवा एक के दरमियान घर से बाहर कदम रख सकता है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया. इसलिए ये कदम उठाया है. तकसीम ये हिसाब का बड़ा जरूरी है. फिर से मिसेस कमाल, तुम इनसे कह दो मुनीर नियाज़ी साहब नहीं आ रहे. बांटना अंधों का आपस में रेवड़ियां, बांटना बंदर का बिल्लियों में रोटी, बांटना बॉबी से माल, बांटना बॉबी के लिए लड़की का फोन है. अच्छा बताएं फिर से किससे बात करनी है? दाल तक जूतों फिर से कह. नहीं नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ, वो यकीन नहीं आ रहा था. अच्छा वैसे बॉबी से बात नहीं हो सकती, वो सिर्फ अगले महीने की 25 तारीख को 2:30 के दरमियान फोन रिसीव करेंगे. आप रो रही हैं? बात तो की नहीं, अब इसी क्यों रो रही है? अच्छा अच्छा, देखिए आप रोए नहीं, मैं कुछ करती हूँ. हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ ना, रोना बंद करें. खुसूसन महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता.
जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। तजारत के कायदे से जमा करें तो एक जमा एक का मतलब है क्या? तुम कैसी हैं? इस दरवाजे से। कितने बजे? शीशे में खुद ही देख लो। देखिए तुम लड़कियों को शौक होता है चेहरा देखने का, हर चमकती चीज में चेहरा देखने की कोशिश करती हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे शीशा हो, चाहे खामत का सर। तो तुम्हें लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? मुझे लड़कियां दूर से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम उनसे बात भी नहीं करते हो? हर कोई यही कहता है कि वो लड़की से बात करके आया है, हालांकि वो लड़की की बात सुनकर आया होता है। अच्छा, तो फिर ये जो लड़की तुमसे बात करना चाह रही है ना फोन पे, मैं इससे कह देती हूँ कि तुम इससे इसकी बात हरगिज नहीं सुनोगे। मेरा फोन लड़की का? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? उधर पापा भी हैं। पापा? जीने की कश्मकश में बेकार ना डाल के, मैं थर्ड डिविजनर हूं, मुझे मार डालिए। थैंक यू मां, थैंक यू। थैंक यू हुमा। हुमा वो मेरा वेट कर रही है। वेट कर रही है तो yes. बताओ ना उसे कि 66 किलोस। जी नहीं, मैं 65 किलोस का। हाँ मैं भूल गई थी, कल तुम नहाए भी तो थे। क्या मतलब? देखो हुमा, देखो प्लीज मेरी मदद करो, देखो आयन वक्त पर अमेरिका ना बन जाया करो। आपका घर कितनी दूर है? 15 मिनट की वॉक है अगर दौड़ते हुए जाओ। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? भाई जाहिर है उसको कोई जाती काम होगा हुमा, देखो ऐसे वक्त में सियाने दोस्त को ही याद किया जाता है ना। सियाने को? हाँ? तो फिर तुम्हें क्यों बुलाया? कितनी देर से जानती हो तुम्हें? हम देखो हुमा वो मेरी क्लास फेलो है। देखो हुमा तुम प्लीज कुछ करो ना, देखो मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, तुम बाहर से कुंडी लगा दो, मैं यहाँ से जाओगे कैसे? गाड़ी पे तो पापा ने बैन लगाया हुआ है। तो पापा तो अभी सो रहे हैं हुमा, पापा अभी सो रहे हैं, तो हम चुपके से चाबियां निकालेंगे और चुपके से रख देंगे। हुमा प्लीज। अच्छा अच्छा, ज्यादा तंग ना करो। यही तो है पेम्बरन। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो पापा वो बॉबी ने पूछना था कि वो ना क्या पूछ रहे थे तुम उनसे, वो विसाल के क्या मतलब होते हैं? विसाल का मतलब होता है मर जाना। हाँ तो पापा ये हर शायर अपने महबूब के विसाल की दुआएं क्यों करता है? बॉबी ये बात अपनी मामा से पूछो जाके प्लीज। पापा कहाँ जा रहे हैं? मैं काम जा रहा हूँ बेटा। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी इधर ही होगी। कहाँ इधर होगी? उमा तुम्हारी मामा कहाँ है? अंदर है। तो गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी चोरी हो गई? गाड़ी चोरी हो गई? कोई बात नहीं पापा, मिल जाएगी। क्या स्टूपिड बात कर रही हो, कैसे मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? जाओ मामा से कहो पुलिस को फोन करें। मामा से कहो पुलिस को फोन करें, वो तो सो रही हैं। उमा पुलिस को फोन करो। तुम्हें नहीं पता चला? फूल। फूल एफ से नहीं, ये प्लास्टिक के फूल हैं। मेरी बहन है ना हुमा, वो कह रही थी कि प्लास्टिक के फूल देने चाहिए, ये मुरझाते नहीं हैं। दूसरे तो बस एम ही मुरझा जाते हैं। मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तोड़ के ला सकता हूँ। लोग तो तारे तोड़ कर लाते हैं। इतनी दूर इंसान जाए तो बड़ी चीज तोड़ के लाए ना। मेरा बड़ी नाराज होकर चला गया है। तुम्हारा बड़ी? क्या तुम्हें बहुत पसंद था? हाँ बहुत। मेरी तरह स्मार्ट
और इंटेलिजेंट था। हाँ। उसमें और क्या क्या खूबी थी? वो आगे से सवाल नहीं पूछता था। आज सुबह मैं उसे सैर पर ना लेके गई तो इस पर नाराज हो गया। मेरी तरह सेंसिटिव। पता नहीं किस वक्त रस्सी तुड़वा कर भाग गया। तुम्हारा कुत्ता गुम हो गया। उसे कुत्ता मत कहो, बुरा मानता है। तुम उसे ढूंढ कर ला दो ना प्लीज। मैं उसे कैसे पहचानूंगा, और दूसरा वो भी मुझे नहीं पहचानता। मुझे तो हर कुत्ता देख के काटने को दौड़ता है। फोटोग्राफ है ये, देखो। ये जिसके गले में पट्टा है ना, ये है बडी। बडी आइडिया। हम क्यों ना शाम को छपने वाले उर्दू अखबारों में इश्तिहार दे दें। वो तो बड़ी नहीं पढ़ सकेगा। अंग्रेजी अखबार तो शाम को निकलते नहीं। इतना महंगा मैंने खरीदा था इसे, तुम उसे ढूंढ कर ला दो ना प्लीज। मैं जब भी उसे देखूंगी मुझे तुम्हारी याद आएगी। ला दो ना। कुत्ता ढूंढना तो मसला ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं? मैं वकुआ स्पेशलिस्ट हूं। मैं वकुआ देख के बता सकता हूं कि यहां एक साल के बाद कौन सा केस होगा। क्या आपको पहले से ही पता था हमारी कार चोरी होगी? आपकी कार चोरी हुई है? हमें तो इतला मिली है कि यहां गड्डी चोरी हुई है। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात तो है ना। यानी कार का और गड्डी का फर्क ही नहीं मालूम? कार काफ से होती है और गड्डी गाफ से, फर्क नहीं? गलत केस इंदराज कराने की सलाह क्या है? आपको नहीं पता जो हमसे पूछ रहे हैं? आपकी गड्डी कैसे चोरी हुई? देखिए वो बात ये है कि मुझे हमारी दुआ करो गाड़ी जल्दी मिल जाए। मामा अब पुलिस वाले चोर को बहुत मारेंगे। तो और क्या, उसे ऑटोग्राफ लेंगे? वो भाई को जोर से मारेंगे। भाई बॉबी? बॉबी। मामा आप ना जल्दी से थाने फोन करके कहें कि हमें कार मिल गई है, वरना बॉबी। हेलो थाना जी, देखिए हमने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट कराई थी ना, तो वो हमें मिल गई है। आपको नहीं मिली? ओह शुक्र है आपको नहीं मिली। जी नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हमें मिल गई है तो अब आप उसे ढूंढने की जहमत ना करें। जी ये किससे बात हो रही है? मामा थाने बात कर रही है। अच्छा हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो मुबारकबाद दे रहे हैं। जी जी, गाड़ी चोरी होने की। जी मेरा मतलब है कि मिलने की। जी जी, गाड़ी मिल गई, समझो कि मिल गई। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, क्या अच्छा नहीं, गाड़ी मिल गई? मिल जाएगी, मिल जाएगी गाड़ी। एक तो आपको जरा जरा सी बात पे इतनी इतनी परेशानी हो जाती है। इनके तो शिनाख्ती कार्ड पे लिखा होना चाहिए शिनाख्ती निशान, चेहरे पर परेशानी। आपका कसूर नहीं है, आपको पता चल जाए ना मैंने बाहर कितने धक्के खा के पैसे कमाए। बाहर का मुल्क होता ना अब तक चोर हथकड़ी में होता। शुक्र है हमारा अपना मुल्क है। यही तो है पेंड्रन। अस्सलाम वालेकुम। देखा देखा मेरा नाम सुनकर मुजरिम कितना डरते हैं। मुझे ट्रैफिक पुलिस में जाने का बड़ा शौक था। आने जाने वालों पर सीढ़ियां मारने की अलावा तनख्वाह भी मिलती है। गाड़ी का क्या बना? इसकी मुबारकबाद देनी है। मिल गई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो हमें भी नहीं आया था, पर जब आपने खुद फोन करके बताया कि गाड़ी मिल गई है तो हमने मान लिया। हमने फोन करके बताया? कहाँ है गाड़ी? सियापाई है भाई। आपने फोन नहीं, आपने इतना वक्त जाया कर दिया और एक कार बरामद नहीं कर सके आप। यानी ये किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया?
किसने बनाया? अल्लाह मियां ने ही बनाया होगा। सबको अल्लाह मियां ने ही बनाया ना। देखिए अगर आपने अब भी कुछ ना किया तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। आपके घर की कितनी मंजिलें हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं। भाई जान आप DIG से बात करें, हमारी कार चोरी हुई कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। नुसरत गाड़ी पॉबी लेकर क्या? भाई जान आप भी हद करते हैं, अब हर छोटी छोटी बात पर आप DIG को फोन करेंगे क्या? कमाल कर रहे हैं, छोटी सी बात है। भाई जान अब हम लोग शरीफ लोग हैं, पुलिस केस बनेगा तो बेइज्जती होगी ना। हाँ इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? अब एक कार चोरी हुई है, 5-6 होती तो और बात। ये कोई बात नहीं है, मुझे DIG से बात करना। अब क्या होगा, हर तरफ नाके लग गए हैं, पकड़ा गया ना अगर भाई तो पुलिस वाले तो मारते भी हैं। अब हम बॉबी को कैसे बताएंगे? क्यों ना हम खुशिया को फोन करके कह दें कि वो बॉबी को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दे। आजा आजा इधर आजा। अरे ये गाड़ी तो हुई है लेकिन मुजरम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मुजरम कैसे सरजी नजर आएगा, उसको पता लग गया होगा ना भाई पुलिस के दो अफसर आ रहे हैं। है? अफसर सिर्फ मैं हूँ। देखता जा। सरजी मेरा ख्याल है गाड़ी पे छापा मार दे। नहीं 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 भाई, जो ही मुजरम आता है उसको दबोच लेते हैं, बचकर जाएगा कहां। बस यहीं कहीं छुप जाते हैं। ठीक है ठीक है। वैसे सर जी बात सुने। हाँ? अजीब बात ही है, स्यापा ही है सर जी। हाँ? हमेशा ये देखा है कि जो मातहत होता है ना वो अफसर का इंतजार करता है और DSP साहब SP साहब का इंतजार करते हैं, हवालदार साहब जो है इंस्पेक्टर साहब का इंतजार करते हैं, आप चोर का इंतजार कर रहे हैं सर जी। चुप करके ड्यूटी निभा। ड्यूटी ना बहू? हाँ वाकई सर। हाँ हाँ जी सर जी। सुना नहीं? अच्छा? कराटे इतनी जोर से लेता है कि मुजरम को पता चल जाएगा। अच्छा सर जी ऐसे ही करती है? हाँ जी यहीं कहीं छुप जाती है। हैं ठीक है सर। मुजरम आएगा पकड़ो, अच्छा इधर आ जाओ। ये गाड़ी खुली छोड़कर कहाँ चला गया? बड़ी अच्छी गाड़ी है बाबा। नरम है, क्या फायदा? हम लोग गाड़ियों के नीचे तो आ सकते हैं लेकिन गाड़ियां हमारे नीचे नहीं आ सकती। अच्छा बताओ अल्लाह ऐसा खेल भी, लोगों को कुछ पता नहीं क्या हो गया, अच्छी भली गाड़ी को भी ट्रक समझ लेते हैं। मैंने आगे बैठना। दरवाजा खोल, दरवाजा दरवाजा। नहीं बात तो सुनो। सारे इसको चल बैठ। पापा मैंने आपसे एक बात करनी है, आप नाराज तो नहीं होंगे? क्या हुआ बेटा?
क्यों रो रहे हो? क्या बात करनी है बताओ? पापा कार चोरी हो गई है। हाँ भाभी मुझे पता है कार चोरी हो गई है। आपको पता है? जी बेटा। आप क्यों रो रहे हो बेटा? पापा मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। कार चोरी हुई है, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हो बेटा? पापा दरअसल बात यह है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, एक कार चोरी हुई है, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं ले लेंगे। चलो जाओ, आप पढ़ो जाके बेटा, जाओ। हेलो, क्या गाड़ी मिल गई? अच्छा ठीक हालत में है ना? नुसरत, उमर, सुमन, भाई मुबारक हो, गाड़ी मिल गई है और बिल्कुल ठीक हालत में। ओहो, तुम गाड़ी को छोड़ो, ये बताओ कि मेरा चोर कैसा है? मेरा मतलब है कि चोर कैसा है? छितरौल हो रही है उसकी। वेरी गुड, खूब मारिए, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल रियायत नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, ये वेरी गुड की इसमें क्या बात है? कितने जालिम हो तुम लोग। हमने तो कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया। हाँ? किसको? चोर को, मेरा मतलब है कार को, कार को। अच्छा, बड़े छितर से छितरौल हो रही है। बड़े छितर से, उन्हें रोक दो, उन्हें रोक दो आजम, उन्हें रोक दो। हाय मेरा बेटा। मेरा मतलब है कि वो भी तो किसी माँ का बेटा है। नहीं, नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं, आप मारिए उसे, इस तरह के लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जी बिल्कुल, साथ लेकर आ रहे हैं? अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ले आइए ले आइए, रास्ते में है ना, ले आइए आइए, मारते हुए साथ लेके आ रहे हैं उसे। भाई साहब उन्हें रोकिए। भाई तुम लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो इस बात पे? गाड़ी मिल गई है, ये तो खुशी की बात है, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। और भाभी किधर है? भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, बहुत परेशान था वो बेचारा, बुलाओ उसे। माँ, भाई, वो तो मेरा ख्याल है कि बॉबी इस वक्त पढ़ रहा है। बॉबी बेटा, बॉबी। हमें सही बात बता देनी चाहिए। वो दरअसल बात ये है कि वो सारा कसूर जो है ना, कसूर हमारा है पापा। दरअसल बॉबी ऊपर कमरे में पढ़ नहीं रहा। ओफो बेटा, मुझे पता है नहीं पढ़ रहा। भाई जाहिर है, इतनी टेंशन में बच्चा कैसे पढ़ सकता है? तुम्हें पता है कि बॉबी, नुसरत तुम ही बता। भाई साहब, वो बात ये है कि बॉबी तो घर में। जी पापा। ही, तुम यहाँ कैसे? मामा, अगर चोर घर में है तो पुलिस वाले किसको पकड़ के ला रहे हैं? नहीं पिछाड़ा ना। जी नहीं। असल में मेरी जब ये हालत होती है ना, मुझे मेरे घर वाले भी नहीं पिछाड़ते। बीबी जी, मैं आपको बताता, बीबी जी इन्होंने मुझे घेर बदल बदल के मारा। बीबी जी, बीबी जी आपने इनको बताया नहीं, ये सब कुछ आपके कहने पर हुआ। इनके कहने पर? जी। संभल।